नमस्ते इंडिया। बदलता मौसम अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को साथ में लाता है, तो ऐसे में ज़रूरत ये होती है कि आप अपने खान पान में, अपने डाइट में भी बदलाव करें, यानी कि चेंजेस करें। इसकी वजह से अगर आप अपने डाइट में चेंजेस करते हो तो आपके जो इम्यून सिस्टम होती है, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, उसको मौसमी बीमारियों, यानी कि मौसम के बदलने के साथ साथ आने वाली जो बीमारियां होती है, उससे लड़ने में मदद मिले। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस मौसमी बीमारियां जो है उससे लड़ने के लिए अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हो तो आपकी बॉडी को किन किन बीमारियों से बचा सकता है, आपकी बॉडी को कौन कौन से फ़ायदे दे सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हल्दी वाले दूध पीने के फ़ायदों के बारे में। ठंड के मौसम में हल्दी वाला दूध पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सर्दी ज़ुकाम से बचाता है। अगर बाई चांस आपको सर्दी ज़ुकाम हो भी गई है तो वो आपके सर्दी जुकाम को ठीक भी कर सकता है। देखिए, गरम हल्दी वाला दूध जो होता है वो आपके गले में फंसा हुआ कफ और सीने की जकड़न में भी आपको राहत दे सकता है, और साथ ही में क्रोनिक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हल्दी वाला दूध जो है वो आपके डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। देखिए, हल्दी वाला दूध पीने से आपका पेट जो है वो मजबूत रहता है, आपकी अगर कब्ज या तो फिर लूज मोशन की शिकायत भी नहीं रहती है। इन दोनों को ही ठीक करने में हल्दी वाला दूध जो है वो आप पी सकते हो, और इसी के साथ साथ वो आपकी स्किन में भी ग्लो लाने का काम करता है, ग्लोइंग बनाने में मदद करता है और स्किन की ड्राइनेस को भी ठीक कर सकता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा की शिकायत रहती हो, आपको नींद अच्छे से ना आती हो, तो आपको हल्दी वाले दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। रोज़ाना तौर पर आपको हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ अगर ठंड में हल्दी वाला दूध रोज़ाना पिया जाए तो ये साइनस से भी आपको राहत दे सकता है, यानी कि जिन लोगों का नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है उसको साइनस कहते हैं, तो वो आप उसमें भी आपको राहत दे सकता है। हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में कोई भी तरह की सूजन हो उसको ठीक करने में मदद मिलती है, सर्दी जुकाम और बुखार में भी उसको लड़ने में मदद करता है, उसको ठीक होने में मदद करता है। और ख़ास तौर पर जो तीन दोष होते हैं, वात दोष, पीत दोष और जो कफ होता है, इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाने का काम करता है। हल्दी के अंदर पाए जाने वाला जो कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है वो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसलिए आप पूरे दिन में, एक दिन में आप एक चम्मच जितनी हल्दी का सेवन कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर दूध के अंदर मिलाना चाहो तो लगभग एक गिलास दूध में आप एक चौथाई जितना हल्दी एक चौथाई जितनी चम्मच हल्दी की डाल सकते हो। ये अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हो तो आपकी बॉडी को बहुत तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। तो लगभग सभी को, ख़ास तौर पर जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो रोज़ाना आपको हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए।